बुधन का मोहल्ला शकरनगर में पेश आया एक इंसानियत सोज वाकया, जिसमें एक नौजवान सोहेल को कुछ अफराद ने झाड़ से बांधकर कई घंटों तक जुल्म व सितम का नशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक सोहेल के वालिद ने इस वारदात के बाद अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनका बेटा सोहेल और आयशा नामी लड़की का अफेयर एक अरसे दराज से चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए आयशा के अफराद खानदान ने दावत से आने वाले सोहेल को पकड़ लिया और झाड़ से बांधकर उसको कई घंटों तक जानवरों की तरह मारते रहे। और जैसे ही इस वारदात की खबर मुकामी अवाम और बुधन के मशहूर मारूफ बीआरएस लीडर सुफियान दानिश, बीआरएस यूथ जनरल सेक्रेटरी और जुबैर हबीबी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट को हुई, तो वो लोग इस वारदात के मुकाम पर पहुंच गए और इस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ शदीद मजम्मत करते हुए सोहेल को आयशा के घर वालों के शिकंजे से आजाद करवाया और जख्मी हालत में सोहेल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस वारदात को कुछ लोग सियासी रंग देने की कोशिश करते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर और बीआरएस यूथ जनरल सेक्रेटरी सुफियान दानिश और जुबैर हबीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस वारदात के बारे में सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि लड़की आयशा के घर वालों ने कैसे कानून अपने हाथ में लिया, और आयशा के घर वालों को अगर सोहेल से कुछ एतराज था तो वो कानून का सहारा लेते और पुलिस में सोहेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा बताते हुए कानून अपने हाथ में ले लिया और सोहेल को शदीद जख्मी कर दिया, जो कि सरासर कानून और इंसानियत के खिलाफ है। बुधन की पुलिस को चाहिए कि जिन लोगों ने भी सोहेल को मार मार कर जख्मी कर दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर कानून का शिकंजा कसे और कानून को अपने हाथ में लेने वाले मुलजमीन को जेल की सलाखों के पीछे ढक ले, ताकि फिर कोई बुधन में इंसानियत सोस वारदात न कर सके। और इस सिलसिले में एक हैरत अंगेज इंकशाफ ये भी हुआ है कि लड़का सोहेल और आयशा के इस अफेयर को मुकामी काउंसलर सियासी रंग देने की एड़ी चोटी की कोशिश कर रहे हैं और अपने सियासी हथकंडों के जरिए बुधन एमएलए शकील आमिर और सुफियान और जुबैर हबीबी को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अफसोस, ऐसे घटिया काउंसलर्स की जहनीत पर जो अपने सियासी मफाद के लिए इतना गिर सकते हैं। नाजरीन, हमें इस नामुराद काउंसलर का नाम बताने की जरूरत नहीं। बुधन की अवाम इस काउंसलर की हरकतों और उसके सियासी हथकंडों के बारे में खूब जानती है। बहरहाल, पुलिस को चाहिए कि इस वारदात को अंजाम देने वाले मुलजमीन को घाट घाट का पानी पिलाते हुए जेल की सलाखों के पीछे ढक ले, ताकि फिर कोई ऐरा गैरा न थो कानून अपने हाथ पे लेने से पहले हजार बार सोचे। तो आइए देखते हैं बोधन से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट, और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप रहे पल पल बाखबर। भाई, मेरे बच्चे को खाली टीवी फंसाया जा रहा है, इसमें कोई भी एमएलए साहब इसमें इंटरफेयर नहीं है, खाली सियासत मसला है। इसको बना के एमएलए साहब को बदनाम कर रहे, कुछ भी नहीं है। और क्या है, मेरे बच्चा खाना खा के रात में दावत में लगा तो वो लोग पकड़ के ले आके झाड़ को बन के मार रहे थे साहब। उसमें कोई एमएलए साहब इंटरफेयर नहीं है, उसमें कोई नहीं है। मेरा बच्चा है, वो पहले से ऑलरेडी उन्हें रिमांड होके आया तो है जेल को, इसमें कोई उसका नहीं है। उनकी जाति बच्चे थे, मेरी दुश्मनी है, वो लोग निकाल रहे जबरदस्ती ले आके रात में झाड़ को बन के मार रहे थे साहब। 20-25 आदमी आके लोगों को छुड़ा रहे थे, उसको फांसी दे दे रहे थे रात में। बस देखो, कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा पहले से ऑलरेडी वो केस में बुक है, इसमें कोई एमएलए साहब का कोई इंटरफेयर नहीं है, खाली के लिए एमएलए साहब को बदनाम कर रहे। कोई इसमें इनको इंटरफेयर है ही नहीं एमएलए साहब के अंदर, कुछ भी नहीं है। एमएलए साहब का कोई दखल नहीं है इसके अंदर, सब खाली के लिए बदनाम कर रहे एक वक्त के एमएलए को। और जुबैर और कौन सोफियान, इसमें भी इंटरफेयर नहीं है, वो बेचारे खाली के लिए उनका नाम बदनाम कर रहे हैं लोग। कुछ नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, खाली पीली इनको सोशल मीडिया में लाके बदनाम कर रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरफेयर नहीं चाहिए इसके अंदर बस, और कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे का ऑलरेडी केस पहले से बुक है, और बस ले आके रात में वो लोग झाड़ को बंदे के फांसी दे दे रहे थे उसको। पब्लिक छुड़ाने साहब 20-25 आदमी थे, ये लोग छुड़ाए, नहीं तो रात में मेरे बच्चे को खत्म कर देते ये लोग। झाड़ को बंदे के मुंह में कपड़े डाल दे के आवाज नहीं आया वैसा उसको मार रहे थे लोगों को, मालूम बोल के अंदर गए 20-25 आदमी, जाके छुड़ा है उसको बस, और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, पहले से उसका जाति मसला है सोहेल का, उसमें
बच्ची के तरह पहले तेज है, उसमें कोई ये नहीं है, मैं भी बोलू ना उसके अंदर बच्चे का पहले तेज है उसका, फिर उसके साथ बच्ची के उसको ले आके जबरदस्ती रात में बंद दिए, खाना खा के दावत में थे गाँव ने। निकाह होगा शरीयत, बच्ची और बच्चे का निकाह होगा भाई शरीयत तरीके से, बस कुछ भी नहीं है और शरीयत तरीके से निकाह होगा बच्चा और बच्ची का ऑलरेडी। के शादी में ना तो एमएलए साहब है ना एमएलए साहब की पार्टी का कोई उनका कार्यकर्ता इसमें इंटरफेयर नहीं है साहब।